और अब वक्त हुआ है हमारे हफ्तेवार स्पोर्ट्स राउंडअप का, जिसके लिए हमारे साथी गज़नफर हैदर इस वक्त स्टूडियो में मेरे साथ मौजूद हैं। तो गज़नफर, आज हम बात कहाँ से शुरू कर रहे हैं? आज हम बात फुटबॉल से शुरू कर रहे हैं। स्वीडिश फुटबॉलर ज़्लातान इब्राहिमोविच की 38 बरस की उम्र में इटालियन लीग में वापसी हुई है और वो अपने सबका क्लब एसी मिलान के साथ उन्होंने जो है मुआहदा साइन किया है और कहा यह जा रहा है कि ये उनके करियर की लास्ट लेग होगी, उनके करियर का आखिरी हिस्सा होगा। 38 साल आपने कहा, यानी मेरे लिए उम्मीद अभी बाकी है, लेकिन इस उम्र में वो वापस आ रहे हैं तो क्या क्लब को कोई फ़ायदा होगा? 7 साल पहले जब एसी मिलान के साथ वो खेलते थे तब उनकी कारकर्दगी बहुत ज़्यादा अच्छी थी और उन्हीं की वजह से एसी मिलान ने जो है टाइटल जीता था इटालियन लीग का। लेकिन इस वक्त एसी मिलान की जो कारकर्दगी है वो इतनी बुरी है कि उन्हें पहले दर्जे की लीग से बाहर होने का खतरा है, यानी कि वो दूसरे दर्जे की जो छोटी टीम है उनके साथ खेलना ना शुरू हो जाए, तो इतनी उनकी बुरी कारकर्दगी। अब लोग ये कह रहे हैं कि ज़्लातान जो हैं वो उनकी जो उम्र है वो बहुत ज़्यादा हो गई है, 38 बरस के हो गए हैं, लेकिन उनके जो फेवर में बात करते हैं वो ये कह रहे हैं कि ज़्लातान के जो 550 गोल हैं उसमें से 200 या 225 गोल उनकी 30 बरस की उम्र से पहले के हैं और बाकी जो उनके 300 गोल हैं वो उनके 30 बरस की उम्र के बाद उन्होंने 300 गोल स्कोर किए। इसके अलावा क्लब को ऐसे भी फ़ायदा होगा कि शर्ट की जो सेल्स हैं उसमें इजाफा होगा और क्लब का जो मोराल है वो बहुत ज़्यादा डाउन है, उनका हौसला जो है वो बहुत ज़्यादा कम हुआ है, तो ये सारी चीज़ें क्लब के लिए फ़ायदेमंद होंगी। लेकिन इनका एक स्टैचू भी तो था, एक मुजस्मा स्वीडन में जिसे नुकसान पहुँचाया गया था, वो क्या किस्सा था? ये जो है एक मुख्तलिफ टॉपिक है। उनका जो मुजस्मा था वो स्वीडन के शहर मालमो में था, मालमो का जो फुटबॉल क्लब था मालमो FC, वहाँ से ज़्लातान ने अपने करियर का आगाज़ किया था। अब हाल ही में ज़्लातान ने उसी क्लब के जो हरीफ हैं हैमर्सबी क्लब, उनमें इन्वेस्टमेंट किए, एक शेयर जो है उनके 25% शेयर उन्होंने ख़रीदे हैं, तो शहर के जो लोग हैं उनको बहुत ज़्यादा गुस्सा था, तो कभी उनकी नाक काट रहे हैं, कभी वो उनकी टॉयलेट सीट जो है वो उनके गले में डाल दी थी और काफ़ी बुरा किया था और एंड पे उनके ऐसे लगता है कि पैर ही काट दिए, एंड पे उनके पैर काट दिए। और फिर अभी जो हैं शहर के मेयर हैं उन्होंने ऐलान किया है कि इस मुजस्मे को बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचा है, इसलिए हम इसे लेकर जा रहे हैं, इसकी मरम्मत करेंगे, मरम्मत करने के बाद हम इसको वापस ला के इसी जगह पे यानी ये फिक्स करेंगे। अभी जारी रहेगा, किस्सा अभी जारी। लेकिन अच्छा, इनकी उम्र तो 38 साल है, वैसे 30-32 साल से बड़ी उम्र के और भी फुटबॉलर्स हैं जो बहुत अच्छा खेल रहे। एक तो रोनाल्डो हो गए, इंतजार कर रही थी आप रोनाल्डो का जिक्र कब करेंगे। एक रोनाल्डो हो गए, एक मेसी हो गए और ज़्लातान इब्राहिमोविच भी हो गए, लेकिन इसमें एक बहुत दिलचस्प प्लेयर है जो जिनकी उम्र जो है वो 52 बरस की है और वो जापान की फर्स्ट लीग में खेलते हैं और उन्होंने अपने करियर का आगाज़ जो है वो 1982 में किया था और वो अभी तक खेल रहे हैं और 2018 में अभी गुज़िश्ता बरस उन्होंने जो है वो 3 साल का एक नया मुआहदा जो है वो साइन किया है। 52 साल की उम्र मेरे लिए तो खैर बहुत उम्मीद बाकी है। मैं तो पैदा ही नहीं हुआ था। आप पैदा नहीं हुए थे, मैं बच्ची थी और ये अभी भी खेल रहे हैं, तो बात बहुत अच्छी है। गज़नफर, हमसे बात करने का बहुत बहुत शुक्रिया।